दंतेवाड़ा के नाम से ही लोग जानते हैं कि नक्सलाइट एरिया है, थोड़ा इंटीरियर एरिया पड़ता है, तो ज्यादा बाहर घूमना फिरना भी नहीं होता था। तो स्कूल से घर और शाम को थोड़ा देर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते थे हम सारे फ्रेंड्स। The Naxal area of Chhattisgarh hit the headlines for clashes between Maoists and security personnel. These regions are known for sports, but there is a rare gem uncovered from Dantewada, a ferocious blocker, the wall of Indian volleyball, Dipesh Sinha. मैं दीपेश सिन्हा, मेरी टीम है कोलकाता थंडरबोल्ट, उसमें मिडिल ब्लॉकर के रोल पे हूँ। तो उस समय 1999 की बात है, तो उस समय थोड़ा एरिया उस तरीके का था, काफी फॉरेस्ट जंगल थे, तो वहाँ थोड़ी जो भी जाते थे हम पुलिस वैन में जाते थे। स्कूल जब जाते थे पुलिस लाइन था, वहाँ पे जितने पुलिस के बच्चे हैं, पुलिस की फैमिलीज है, सब वहाँ पे स्टे करती थी। और स्कूल हमारा था 10 किलोमीटर वहाँ से, तो पुलिस वैन लेकर जाती थी हमको। He's currently plying his trade with Kolkata Thunderbolts in the second season of Prime Volleyball League. The defending champions are on a brilliant run. His story of rising from the shadow of the Naxal strife to becoming an important name in a sport like volleyball saw a lot of hardships. Deepesh's foray into volleyball began in his 12th class. Volleyball मैं दंतेवाड़ा में मेरी स्टडी चल रही थी उस टाइम पे। 2007 में जब 12th क्लास में था, तो वहाँ प्रिंसिपल थे मेरे स्कूल में, 12th क्लास में था, तो उसने बोला चलो हाइट आपकी अच्छी है तो वॉलीबॉल क्यों ना स्टार्ट किया जाए, स्कोप अच्छा मिलेगा इसमें। तो फिर तब से 2007 से जो मेरे प्रिंसिपल थे उसी उन्हीं के कारण ही मैंने अपने वॉलीबॉल की लाइफ स्टार्ट की। बट इंटरेस्टिंगली वॉलीबॉल वाजंट द ओनली स्पोर्ट ही टुक इंटरेस्ट इन। ही हैड मेडल्ड इन अनदर गेम बिफोर दैट अगेन बिकॉज़ ऑफ अ सजेशन फ्रॉम एन एल्डर। बास्केटबॉल भी खेला था मैंने कुछ साल, एक साल बास्केटबॉल भी ट्राई किया था, क्योंकि मेरी मदर नेशनल प्लेयर रह चुकी है बास्केटबॉल में 1983-84 में। तो मेरी मदर ने बोला कि बास्केटबॉल गेम अच्छा है, क्यों ना इसको ट्राई करो, लेकिन उसमें थोड़ा रनिंग ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा वॉलीबॉल अच्छा गेम। फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ हिज पेरेंट्स, दीपेश इज आल्सो एम्प्लॉयड विद द पुलिस डिपार्टमेंट। फादर जी पुलिस में है, मेरी मदर भी पुलिस में है, मेरी मदर इंस्पेक्टर है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में, और मेरे फादर भी बिलासपुर में सब इंस्पेक्टर है, और मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रायपुर में, और मेरा एक भाई है छोटा मयंक सिंह है, जो अभी प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी की। डिपार्टमेंट प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है कि आप गेम करिए अपना, हम पूरी छूट देकर रखेंगे, आपको रेस्ट भी मिलेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए छूट मिलेगी। हाँ ड्यूटी में थोड़ा कभी अगर मोस्टली चांस ऐसा होता है कि छूट देकर रखते हैं, कभी कभार ही ऐसा होता है कि अगर कोई ज्यादा वीवीआईपी ड्यूटीज वगैरह होते हैं वहां पे जा सकते हैं। On the topic of differences between the Prime Volleyball League and the Volleyball Federation of India, Dipesh said that the only thing that matters for an athlete is playing the game. लोगों के अलग-अलग ख्यालात हैं, प्लेयर्स हैं, मैं फेडरेशन और अपना जो बेस पीबीएल है उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा, जो प्लेयर्स उनके लिए बात कर रहा। प्लेयर का बस ये रहता है कि उनको खेलना है बस, वो चाहे आप प्राइवेट लीग में खेलिए, पीवीएल में खेलो, चाहे नेशनल में खेलो, जहाँ उनको मौका मिलेगा खेलने का वो अपना खेल दिखाएंगे। अगर वहाँ मौका मिलेगा हम वहाँ भी जाकर खेलेंगे, नेशनल में भी खेलेंगे, वहाँ भी अपना खेल दिखाएंगे। यहाँ खेल रहे मरने का मौका मिल रहा था, हम यहाँ खेल रहे हैं।